माय नेम इज सुशील वर्मा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब से ही देख के आए हैं हम, और हमें पता लगा कि ऐसी कोई रिमोट लोकेशन, पहले तो रिमोट ही थी लोकेशन ये, आई थिंक अभी 2 साल में ही स्टार्ट हुई है, बट हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के यार। साथ ही साथ आप आदि गुरेज के अंदर के कितने गांव गए, कितनी जगह को नहीं, देखा, हम कैसा लगा? नहीं हम फिलहाल गांव में नहीं गए, क्योंकि हमारा यहाँ यहीं पे इतना मन लगा हुआ था कि हम गांव गए ही नहीं। साथ ही साथ टैलिटी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं। कश्मीर आई थिंक गुलमर्ग को छोड़ के हमने एक्सप्लोर कर रखा है सारा, बस गुरेज हमारा बाकी था, तो अब की बार हम गुरेज भी आ गए। बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल आओ कश्मीर, बिल्कुल मतलब स्वर्ग। तो आपने सुना ही होगा, धरती का जो स्वर्ग है वो कश्मीर है, बट उसके साथ साथ पहले लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में ये होता था कि पता नहीं यार क्या सेफ्टी है ये, यार बिल्कुल सेफ है कश्मीर, और इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही प्यारे लोग हैं, आपसे बहुत प्यार करेंगे अगर आप यहाँ घूमने आओगे। तो बोलना चाहूंगा कि अगर आप कश्मीर आओ, बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए, आप अच्छे से घूमो, यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं, आप अच्छे से पेश आओ, ये तो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं मतलब। और एक और बात है कि यार जहां भी आप रुको, जहां भी जाओ, सफाई का ख्याल रखो यार, प्लीज जो भी है उसे डस्टबिन में डालो, आपका गार्बेज है, और इधर उधर मत फेंको, रिवर में भी मत फेंको, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम सबको मेरी तरफ से जी। और हम आज ही यहाँ पे गुरेज वैली में पहुंचे हैं, और मैंने अपने लाइफ में, मेरी 38 साल की उम्र है, मैंने ऐसा स्वर्ग अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया था अपनी जिंदगी में। तो कम से कम हम यहाँ पे अगले 3 दिन तक रुकने वाले हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, कश्मीर को जो स्वर्ग कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, आज सच में हमने देख लिया है इसको। हम पिछले 4-5 दिन में कश्मीर वैली में ही घूम रहे थे, तो हमने सबसे पहले पहलगाम विजिट किया, फिर श्रीनगर किया, अब हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्यूटी है वो आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको देखने में मिलेगा ऐसा सब। बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जो है बहुत प्यार के साथ ही बात करता है सबके साथ। तो देखो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा गलत भ्रम फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह बिहेव किया हमने जब से यहाँ पे एंटर किया है। और पूरे वेलकमिंग यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के लोकल, वो बहुत मतलब दे आर वेरी वेलकमिंग, एंड दे लाइक कि यहाँ पर दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, वो उनको अच्छा लगता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे भी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आए। बाकी सबके लिए ये है कि दिस इज मस्ट विजिट प्लेस, यहाँ पर आप पूरी कश्मीर वैली को जरूर विजिट करें। और ये ऐसा रहता है कि जरूरी नहीं है कि ये 2-3 महीने ही यहाँ पे सीजन रहता है, आप 12 महीने आप गुलमर्ग चले जाइए, सोनमर्ग चले जाइए, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो गुरेज वैली तो 3-4 महीने के लिए मतलब इट इज मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में आना चाहते हैं तो गुरेज वैली में जरूर आइए, मेरा ये सबको पर्सनल रिकमेंडेशन है।